नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में सोनोग्राफी मशीन एवं इकोकार्डियोग्राम मशीन का उद्घाटन किया। रोटरी क्लब इंदौर रॉयल द्वारा करीब 25 लाख कीमत की ये मशीन नर्सिंग होम को दान में दी गई है। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रॉबर्ट नर्सिंग होम को रोटरी क्लब इंदौर रॉयल द्वारा ये दो मशीन दान में दी गई हैं। इससे अब आने वाले मरीजों को अस्पताल में काफी सुविधा मिलेगी। वहीं रॉबर्ट नर्सिंग होम के प्रमुख डॉक्टर विजय सेन यश लाहा ने बताया है कि ये दोनों मशीनों की कुल लागत करीब 25 लाख रुपए है। इनके स्थापित होने से गरीब एवं जरूरतमंद को बहुत मदद मिलेगी। अस्पताल परिसर में एक सादा समारोह आयोजित किया गया, जहां चिकित्सकों सहित रोटरी क्लब के लोगों ने सभी को संबोधित किया। आज हमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कर सकती है, वो रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से लगभग 25 लाख का सहयोग है, मुफ्त में प्राप्त हुई है। इसका उपयोग हम जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में पेशेंट्स आते हैं, सभी तरह के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, गरीब पेशेंट्स भी आते हैं, उनको ये सुविधा हम कहेंगे उचित दर पर प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं चेयरमैन होने के नाते रॉबर्ट रोटरी इंटरनेशनल का धन्यवाद देता हूँ और हमारी इंदौर की जो टीम है रोटरी की, वो लगातार सहयोग हमारा करती रहती है। कोरोना के समय से सहयोग चल रहा है, आगे भी ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर।